यूपी ट्रिपल एससी आयोग के द्वारा आयोजित की गई पीईटी की परीक्षा में अगर आपका स्कोर 50% से ज़्यादा है तो आपके लिए एक बड़ी भर्ती का विज्ञापन जल्द जारी होने जा रहा है। प्रदेश सरकार ने इस भर्ती को मंजूरी दे दी है। इस भर्ती में कोई भी मुख्य परीक्षा नहीं होगी, चूंकि आपको ज्ञात होगा कि पीईटी एक प्री एग्जाम था, जिसके बाद से सभी विभागों में जो भी भर्तियां होने वाली थी उसके लिए मुख्य परीक्षा का आयोजन कराया जाना प्रस्तावित था, लेकिन इस भर्ती में कोई भी मुख्य परीक्षा का आयोजन नहीं होगा, बिना परीक्षा के आपका सिलेक्शन हो जाएगा। मिनिमम एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या है, ट्रिपल सी अनिवार्य है या नहीं, आवेदन ऑनलाइन होगा या फिर ऑफलाइन होगा, चयन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है, सब कुछ डिटेल में इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं, तो अंत तक जरूर जुड़े रहिएगा इस वीडियो के साथ बिना किसी पार्ट को स्किप किए हुए। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है नीरज और आप देख रहे हैं करियर बिट यूट्यूब चैनल। अगर आप इस चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो इसको सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। दिनांक 25 नवंबर 2021 को उत्तर प्रदेश शासन में अपर मुख्य सचिव के द्वारा शिक्षा निदेशक माध्यमिक को एक पत्र लिखा गया, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे। विषय है अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालयों में लिपिक श्रेणी शिक्षकेतर पदों पर चयन हेतु चयन प्रक्रिया का निर्धारण। जैसा कि आपको ज्ञात होगा, क्लर्क पोस्ट के लिए माध्यमिक आयोग के द्वारा उत्तर प्रदेश शासन को एक प्रस्ताव भेजा गया था, उसी प्रस्ताव को मंजूरी मिली है। एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित इंटरमीडिएट परीक्षा अथवा उसके समकक्ष आप परीक्षा उत्तीर्ण किए हुए हों। उत्तर प्रदेश में डिप्लोमा कोर्स जो होता है, जो जिसे हम लोग पॉलिटेक्निक बोलते हैं, वो भी इंटरमीडिएट के समकक्ष माना जाता है। तो अगर आपने इंटरमीडिएट किया है या फिर अगर आपने पॉलिटेक्निक किया है और पीटी में 50% से ज़्यादा अंक है तो आप इसके लिए आवेदन करने के लिए पात्र हैं। इसके अलावा हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट में कंप्यूटर एक मेन सब्जेक्ट के रूप में आपका होना चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आप देख सकते हैं डोएक से ट्रिपल सी का जो सर्टिफिकेट इशू किया जाता है वो प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। अगर वो भी नहीं है तो कंप्यूटर साइंस में डिप्लोमा या फिर डिग्री आपके पास होना अनिवार्य है। अगर मान लीजिए ये भी नहीं है तो फिर अगर आपने बीएससी किया है, एमएससी किया है, बीटेक किया है और एक सेमेस्टर में आपका कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट के रूप में था तो भी आपका ये कंप्यूटर कोर्स माना जाएगा। तो आप देख लीजिए, आपके पास इंटरमीडिएट पास होना चाहिए, इसके अलावा कंप्यूटर मेन सब्जेक्ट के रूप में होना चाहिए। अगर नहीं है, हाई स्कूल से लेकर ग्रेजुएशन में किसी में भी आपका मेन सब्जेक्ट के रूप में कंप्यूटर नहीं था तो आपके पास ट्रिपल सी का सर्टिफिकेट होना चाहिए। मतलब कुल मिलाकर के ट्रिपल सी सर्टिफिकेट और उसके समकक्ष कोर्स को माना गया है और इंटरमीडिएट मांगा गया है। इसके अलावा कंप्यूटर पर आपकी टाइपिंग स्पीड हिंदी में 25 शब्द और अंग्रेजी में 30 शब्द प्रति मिनट होनी चाहिए। बात करते हैं सिलेक्शन का प्रोसेस क्या रहेगा। सबसे पहले अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। जितने भी पद के लिए विज्ञापन जारी किया जाएगा उससे 10 गुना अभ्यर्थियों को टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। कोई भी मुख्य परीक्षा नहीं होगी, सीधे टाइपिंग के लिए आपको आमंत्रित किया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, टंकर परीक्षा हेतु चयन समिति द्वारा एक पद के सापेक्ष 10 विद्यार्थियों को आमंत्रित किया जाएगा। एक पद के सापेक्ष 10 से अधिक अभ्यर्थियों द्वारा आवेदन किया गया है तो पीटी में सर्वाधिक परसेंटाइल प्राप्त करने वाले प्रथम 10 अभ्यर्थियों को टंकर परीक्षा में सम्मिलित किया जाएगा। कहने का मतलब कि 50% से जितने भी ज़्यादा अभ्यर्थी उससे ज़्यादा नंबर पाए होंगे वो सब लोग अप्लाई कर पाएंगे, लेकिन ऊपर से टॉप एक पद के सापेक्ष 10 अभ्यर्थियों को ही टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। तो आवेदन तो करने के लिए सबको मौका मिलेगा जो 50% से ज़्यादा ऊपर हैं, लेकिन 10 बच्चों को ही बुलाया जाएगा एक पद के सापेक्ष। और जो टाइपिंग टेस्ट होने वाली है, आप स्क्रीन पर देख पा रहे होंगे, यह जो परीक्षा होगी टंकर परीक्षा जनपद के राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित की जाएगी, यानी जिसे ITI कहा जाता है वहाँ पर ये टाइपिंग टेस्ट कराया जाएगा। इसके अलावा आप देख सकते हैं कंप्यूटर टंकर परीक्षा क्वालिफाई होगी। प्रबंधक द्वारा टंकर परीक्षा की निर्धारित तिथि की सूचना पंजीकृत डाक के माध्यम से कम 15 दिन पहले आपको सूचित किया जाएगा। मतलब आपको ईमेल भी किया जाएगा और साथ ही साथ 15 दिन पहले आपको स्पीड पोस्ट के माध्यम से टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। यहाँ पर देख सकते हैं, टंकर परीक्षा क्वालिफाई करने वाले अभ्यर्थियों को पीटी में प्राप्त स्कोर के आधार पर मेरिट सूची बनाई जाएगी। उक्त मेरिट सूची में विज्ञापित पदों के सापेक्ष 3 गुना अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए आमंत्रित किया जाएगा। तो अगर आपने जो टाइपिंग टेस्ट थी उसको क्वालिफाई कर लिया तो एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को फिर इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा। यहाँ पर मुख्य परीक्षा नहीं हो रही है, पहला टाइपिंग टेस्ट है और दूसरा इंटरव्यू है। इंटरव्यू आप क्वालिफाई कर लेंगे जो कि 20 अंक का है। क्वालिफाई करने के बाद से जो आपका पीटी में मार्क्स था और जो इंटरव्यू में मार्क्स आएगा उन दोनों को जोड़ करके कंबाइंड फॉर्म में मेरिट लिस्ट तैयार की जाएगी। मेरिट लिस्ट में जो भी अभ्यर्थी चयनित होंगे उनका सब कुछ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और जिला विद्यालय निरीक्षक के पास ये सभी डॉक्यूमेंट जाएगा प्रथम दृष्टया के लिए, अप्रूवल के लिए। उसके बाद से ये सभी माध्यमिक शिक्षा विभाग से अप्रूव होने के बाद से आपको
आपका नियुक्ति पत्र दे दिया जाएगा। इस भर्ती के लिए आवेदन शुल्क का निर्धारण इस प्रकार से किया गया है, अगर आप जनरल और ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 750 रुपये आपको पेमेंट करना होगा, और अगर आप एससी एसटी और ईडब्ल्यूएस हैं तो फिर 500 रुपये आपको पेमेंट करना होगा। बात करें अगर आयु सीमा की, तो 1 जुलाई 2021 को आयु का निर्धारण किया जाएगा, न्यूनतम 18 वर्ष और अधिकतम 40 वर्ष अभ्यर्थी का होना चाहिए। और अगर आप ओबीसी एससी एसटी से संबंधित हैं तो आपको अधिकतम आयु में 5 वर्ष की छूट दी जाएगी। अगर आप आर्थिक रूप से कमजोर छात्र हैं तो ईडब्ल्यूएस के आरक्षण का भी प्रावधान किया गया है, 10% ईडब्ल्यूएस आरक्षण का कोटा निर्धारित किया गया है। आवेदन की प्रक्रिया क्या रहने वाली है इसको आप समझ लीजिए। सबसे पहले कॉलेज के प्रबंधक के द्वारा उस पर्टिकुलर जिला के जिला विद्यालय निरीक्षक को कितने पद रिक्त हैं इसके सापेक्ष सूचना भेजी जाएगी। जिला विद्यालय निरीक्षक की ये जिम्मेदारी होगी कि वह इसकी पुष्टि करके इसका पूरा आख्या जो होगा वह शिक्षा निदेशक माध्यमिक को भेजेगा। उसके बाद से माध्यमिक शिक्षा निदेशक के द्वारा इनकी वेबसाइट पर सूचना उपलब्ध कराई जाएगी और प्रत्येक जिले में जो दो अखबार में इसको प्रकाशित कराया जाएगा। उसके बाद से आप देख पा रहे होंगे विज्ञापन में पद का वेतनमान, अन्य भत्ते और न्यूनतम आहर्ता क्या होगी, सब कुछ उसमें मेंशन होगा। और आवेदन के लिए कम से कम 21 दिन का दिन निर्धारित किया जाएगा। अब आवेदन करना कैसे इसको आप समझिए। अभ्यर्थी द्वारा अपना आवेदन पत्र संबंधित विद्यालय को रजिस्टर्ड डाक द्वारा प्रेषित किया जाएगा तथा उसकी छायाप्रति संबंधित जिला विद्यालय निरीक्षक के ईमेल आईडी पर प्रेषित किया जाएगा। जिला विद्यालय निरीक्षक की ईमेल आईडी को विज्ञापन में प्रकाशित किया जाएगा। कहने का मतलब कि जो आवेदन करना है वो पूरी तरीके से प्रक्रिया ऑफलाइन है, ऑनलाइन मोड में आवेदन नहीं लिए जाएंगे। कमेटी में कौन कौन से लोग रहेंगे, क्योंकि जो आवेदन किए जा रहे हैं वो विद्यालयवार अलग अलग किया जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझ लीजिए विद्यालयवार चयन समिति में कौन कौन से लोग होंगे। अशासकीय सहायता प्राप्त माध्यमिक विद्यालय में लिपिक पद के चयन हेतु समिति का गठन निम्न प्रकार से किया जाएगा। अध्यक्ष कौन होंगे, देखिए संबंधित विद्यालय का प्रबंधक, मतलब कि जिस विद्यालय के लिए आप आवेदन करने जा रहे हैं, चूँकि वो विद्यालय अशासकीय सहायता प्राप्त है, मतलब गवर्नमेंट से सहायता प्राप्त है और एडेड जो स्कूल होते हैं उनकी बात हो रही है, तो वहाँ का जो प्रबंधक होगा वो अध्यक्ष होगा इस कमेटी का। उसके बाद से जिला विद्यालय निरीक्षक द्वारा नामित सह जिला विद्यालय निरीक्षक अथवा अन्य अधिकारी इसका सचिव होगा, ठीक है, सदस्य सचिव होगा। उसके बाद से जिला सेवा योजना अधिकारी इसका एक प्रमुख सदस्य होगा और जनपद में स्थित राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान के प्राचार्य, जिसे ITI कहा जाता है, वह इसके सदस्य होंगे। और अगर क्रम संख्या 1 से लेकर 4 तक नामित सदस्यगण में से कोई पिछड़ा वर्ग, अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का प्रतिनिधित्व नहीं करता है, तो फिर जिलाधिकारी द्वारा इनके प्रतिनिधित्व हेतु उक्त श्रेणी के किसी एक अधिकारी को अलग से नामित किया जा सकता है। तो इस प्रकार से ये कमेटी बनाई जाएगी और ऑफलाइन मोड में आवेदन होंगे। उसके बाद से जो भी आवेदन आए रहेंगे उनका वेरिफिकेशन करने के बाद से उनको टाइपिंग टेस्ट के लिए बुलाया जाएगा। टाइपिंग टेस्ट में सफल होने के बाद से एक पद के सापेक्ष 3 अभ्यर्थियों को इंटरव्यू के लिए कॉल किया जाएगा और इंटरव्यू में यही सभी सदस्य आपका इंटरव्यू लेंगे। तो ये पूरा चयन प्रक्रिया रहने वाला है। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइएगा और ऐसे ही महत्वपूर्ण अपडेट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। इस वीडियो को देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। भगवान करे आपका दिन शुभ हो।